आज क्या देना चाहते हैं यहाँ से, सरकार कान खोल कर सुन ले। आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है, वो सरकार जिस भाषा में समझना चाहेगी उस भाषा में उत्तराखंड का युवा जवाब दे देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुसाई ब्लॉग यूके 01 में। मैं आपका दोस्त अर्जुन गुसाई। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इमोशनल भरा है, क्योंकि जिस प्रकार से अपने उत्तराखंड में जो है सरकारी नौकरी और सरकारी भर्तियों में जो है घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना कोर्ट है और ना कोई संविधान। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो UK SSC जो हल्द्वानी में आक्रोश रैली निकाली गई, तो इस रैली का जो मेन मुद्दा ये था कि जो उत्तराखंड में घोटाले हो रखे हैं उनकी जो है CBI जांच की जाए। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हल्द्वानी के SDM साहब को भी जो है ज्ञापन दे रखा है कि इस बात की जो CBI जांच की जाए। तो मैं पुष्कर धामी जी से विनती करता हूँ कि इसकी जो है CBI जांच की जाए और जो जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा से कोई ऐसी हरकत ना करें। क्योंकि जिस प्रकार से जो धांधली चल रही है, तो इस एक टाइम ऐसा आएगा कि जो गरीब है गरीब का गरीब रह जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा, क्योंकि गरीब के पास ना देने के लिए कुछ है और ना उसके पास, अगर देने के लिए कुछ होता तो गरीबी क्यों होता। तो एक टाइम ऐसा आएगा गरीब के पास जितनी भी जो झोपड़ी है और जो जमीन बची हुई है बेचनी पड़ेगी एक छोटी सी सरकारी नौकरी खरीदने के लिए, लेकिन तब तक उसके भी भाव जो हैं आसमान छू लेंगे। जिस प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी की 15 लाख रुपए जो हैं पैसे रिश्वत लिए जा रहे हैं और तब जाके उसको नौकरी मिल रही है, और ऐसी बंद दरोगा भर्ती में भी हुआ था और ऐसी SI की भर्ती में भी हुआ था, तो पता नहीं कितने जो हैं ऐसे घोटाले जो हैं उजागर होते जा रहे हैं। और मैं पुष्कर धामी जी से एक बार विनती फिर से कहना चाहता हूं कि इस जो घोटाले की CBI जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो आज मैं हल्द्वानी गया था तो वहां पे मैंने देखा जिस प्रकार से युवा परेशान है और बेरोजगार है, तो युवा का जो है जन आक्रोश देखने को मिला और उत्तराखंड में जगह जगह जो है आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और जिस प्रकार से वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगाया गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ पे अपने धरना देने के लिए नहीं, जैसे कि वहाँ पे कोई जंग छेड़ने वाली हो। तो वहाँ पे PAC लगा रखी थी, पुलिस लगा रखी थी और LIU और हर प्रकार की, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी की सिस्टम वहाँ पे लगा रखा था, जैसे कि वहाँ पे जंग छेड़ रही हो। तो वहाँ पे सिर्फ एक ज्ञापन दिया गया था और मैं कापड़ी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो है ये UK SSC का जो मुद्दा है वो उसको कोर्ट तक ले गए। मैं क्योंकि आज अगर वो अगर कापड़ी जी इस मुद्दे को नहीं उठाते तो आज ये जो है बात है दबी की दबी रह जाती। और तो कापड़ी जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो जो है मैं अभी दिखाऊँगा कि किस प्रकार से जो है हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली निकाली गई, और जो जन आक्रोश रैली निकाली गई वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है निकाली गई थी और समापन भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जितने भी जन आक्रोश रैली में आए थे उन युवाओं के को भी, और जो पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक नारा पहले लगाएंगे, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, किसी भी आंदोलन की बात हो उस आंदोलन को, चाहे वो भारत की आजादी का आंदोलन हो चाहे उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन, उस आंदोलन में परिवर्तन और दिशा
और दिशा तय करने का काम हमेशा युवाओं ने किया। दोनों ने ध्यान नहीं दिया, दोनों आंख बंद कर बैठ गए, या तो सहयोगी हो गए या आंख बंद कर बैठ गए। लेकिन कभी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं करी कि हजारों की संख्या में ये पढ़ा लिखा मेहनत का युवा क्यों सर तुम्हें होता है, क्यों बार बार आंदोलन कर रहा है, इस बात का कभी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। साथियों आप सबको पता है 2016 में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई, जिसमें रणवीर सिंह की रिपोर्ट ने कहा कि इसमें ओएमआरसी के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट का सार्वजनिक नहीं किया और कहते हमने विजिलेंस को जांच दे दी। 2017 से आज तक विजिलेंस ने उस जांच में कुछ किया नहीं। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग के कार्यालय में ही छपा, वही मशीन में छपा और पेपर लीक हो गया, तब भी सरकार ने अपनी आंखें बंद करी, अध्यक्ष सचिव और कर्मचारियों को बचाया। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के छोटे से कर्मचारी को जेल डालकर लिफापोती करना शुरू कर दिया। आज हमारे प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं हम आखिरी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़ेंगे। वही साथियों आप देख लो, जहां एसडीएम जांच कर रही थी, आज आयोग के सचिव की जांच विजिलेंस को दे दी जा रही थी। दो जगह बांटने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है, सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने की शुरुआत कर दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के डीजीपी कहते हैं 2015 की दरोगा भर्ती उसमें घोटाला हुआ है, 30-40% लोग भ्रष्टाचार से आए हैं, 10% लोग केसदारी लिखना नहीं जानते। तो एसटीएफ और विजिलेंस में कौन लोग हैं साथियों? वही दरोगा जो 2015 से भर्ती हुए साथी, तो आप बताइए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड ये युवा प्रदेश जिसकी उम्र 22 साल है, जिसमें 60% युवा आबादी है, जिसमें भाजपा के सीएम ने युवा मुख्यमंत्री बना दिया, वही युवाओं पर अत्याचार कर रहे हैं लगातार पिछले 5 वर्षों से। और आज युवाओं को बांटकर, आज युवाओं के बीच युवाओं को बांटकर इस आंदोलन को भी बांटना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ साथ इस उत्तराखंड के भविष्य का भी सवाल है। आप समझिए, जिस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि राज्य के उत्थान के लिए, राज्य को मजबूत करने के लिए आपने पढ़े लिखे युवाओं को चयनित करना है जो राज्य को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे, उन्होंने वही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, तो हमारा राज्य कैसे आगे जाएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधानसभा घोटाला मुख्यमंत्री के ओएसपी, 3 ओएसपी, 1 का साला मुख्यमंत्री के भाई होते, दूसरे ओएसपी की पत्नी, साफ साफ स्पष्ट आपने मीडिया के माध्यम से देखा, अगर मुख्यमंत्री कर्तव्यनिष्ठ होते, उत्तराखंड के प्रति न्यायप्रिय होते, तो सबसे पहले उन 3 कर्मचारियों को अपने मुख्यमंत्री आवास से हटाने का काम करते, जो आज भी काम कर रहे। साथियों को इससे पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है, सरकार आज सिर्फ इतनी सारी पुलिस यहाँ लगा रखी है, युवाओं की आवाज को दबाया जाए, उत्तराखंड की आवाज को दबाया जाए, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य को अंधकार में अकेला जाए। लेकिन ये साथी भूल गए हैं कि पुलिस के रेट पे मामले में भी सरकार ने इन्हें धोखा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे इन्होंने छोड़ा होगा, और जब उत्तराखंड का युवा सड़कों पर आया था तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, और आज उत्तराखंड का युवा ये तय कर चुका है कि उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उत्तराखंड जितनी भी भर्तियों के घोटाले पाए गए हैं, छोटी मछली पकड़ने से संदेश युवाओं में सही नहीं जा रहा है। 40-40 लाख रुपए विधानसभा की नियुक्तियों में जिन लोगों ने लिए हैं, 15-15 लाख अधीनस्थ चयन सेवा की नियुक्तियों में जिन लोगों ने लिए हैं, जिनमें बराबर माल बटा है, सारे ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं वो जब तक न्यायपालिका में नहीं पहुंचेंगे, उनके केस वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें भ्रष्टाचार मुक्त ये उत्तराखंड चाहिए, युवा युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं युवा, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूँ, जो कागज मेरे हाथ में है ये महोदय वो कागज है जो सबूत है, कोऑपरेटिव बैंक उधम सिंह नगर में जो भर्तियां हुई, जिसका रिजल्ट 14 मार्च 2022 को जारी किया गया, उन लोगों के नाम इसमें है, रोल नंबर इसमें है,
जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया और बैंक में परमानेंट नौकरी कर रहे हैं, क्या हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे थे? महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यदि कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के साथ साथ विपक्ष सबसे ज्यादा जिम्मेदार है अगर उस आवाज को नहीं उठाएगा। तो हम युवा आपसे निवेदन करते हैं, विपक्ष हमें युवाओं के साथ पूरी ताकत से करो। अब मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महोदय लोकपाल आर्य जी से निवेदन करूंगा, मांगे सीबीआई, 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 युवा मांगे सीबीआई, 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 स्पष्ट क्या देना चाहते हैं यहाँ से? सरकार कान खोल कर सुन ले, आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है, वो सरकार जिस भाषा में समझना चाहेगी उस भाषा में उत्तराखंड का युवा जवाब दे देगा। नकली है तो युवा शांति से आपको आपके साथ करने के लिए लगा खड़ा है। युवा मुख्यमंत्री कहे जाते हैं दागर धामी, आज राज धर्म निभाने का समय है, आज मोदी चाचा भैया भतीजा देखने का समय नहीं है, आज उत्तराखंड के हर एक परिवार की मांग है कि जो भी भर्ती घोटाले हुए उनकी सीबीआई जांच हो। आज राज धर्म का पालन करें, आज राज धर्म का पालन करने के साथ दिखाएं उत्तराखंड को कि एक एक परिवार को टकटकी लगाए। माननीय ठाकर धामी की तरफ देख रहा है, जितना मेरा अनुभव है पहले मुख्यमंत्री देखे जो मात्र साल भर के अंदर अर्थ से बेराज की स्थिति फर्श पर पड़े हैं, इससे बुरा हाल होने वाला है अगर इस उत्तराखंड के हर एक युवा की हर एक परिवार की मांग जो मात्र इतनी दी है कि जो ये भ्रष्ट नेताओं ने जिनके संरक्षण में ये भर्ती घोटाले हुए हैं इनकी सीबीआई की जांच करा दी जाए। अभी हाल फिलहाल में जब जम्मू कश्मीर में सीबीआई जांच हो सकती है, पूरा विश्वास है आज आज जो चुनाव थे उमदार भरी है, बड़े खुश हो रहे थे धामी जी के साथ चुनाव शांत है, गलत फहमी में पल रहे थे, आज शायद पूरे गुवाओं ने इनकी आंखें तो खोल दी होंगी, आज आंखें खुल गई होंगी कि आज अगर इतना आया है कि आपने पूरे जोर को लगाए सारा का सारा सरकारी अमला ऐसे लगा दिया इन युवाओं पे, पता नहीं कैसे आतंकवादी इकट्ठे होने वाले हैं इस कुमाऊं पर, कुछ नहीं छोड़ा है, सारे के सारे कोचिंग सेंटर बंद करवा दिए, महाविद्यालय बंद करवा दिया गया, एक माइक का जुगाड़ कराता था वो भी प्रशासन अपने साथ ले गया, कहने है लेटाइए और पूरा का पूरा उसमें नाचिएगा, लेकिन ये सरकार अब कान खोल के सुन ले, ये पूरे के पूरा कुमाऊं का युवा पूरी सरकार को नचा देगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों, हम लोगों ने विधानसभा में जब पहले दिन मुद्दा उठाया ये कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो और ये बेरोजगार संगठन के साथ बैठकर तय हुआ था और आज भी हम उसी बात पर अड़े हुए हैं और हमने एक मन बनाया कि एक नॉन पॉलिटिकल जो है व्यवस्था बनाकर हम इस आंदोलन को पूरे कुमाऊं में लेकर जाएंगे और आज हमने हल्द्वानी से इसकी शुरुआत कर दी है। हमें डरना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, यदि हम डर गए, यदि हम झुक गए तो समझ लो कि आज जो नौकरी 15 लाख रुपए में लग रही है धीरे धीरे लोगों नौकरी 80 लाख में लगनी शुरू हो जाए जा रहे थे, लगातार एलआई वाले आपके पीछे थे, लगातार तमाम पुलिस आपके पीछे थी, न जाने ऐसा लग रहा था कि हल्द्वानी के अंदर कितना बड़ा कांड होने वाला है। अरे हम अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आए हैं, ये युवा अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आए हैं, तो क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? वो हाकम, वो चंदन सिंह मनराल जिसको मैं बरसों से जानता हूँ, रामनगर के अंदर साफ तरीके से कहता था जिसको नौकरी चाहिए मेरे पास आए, वो कहाँ से नौकरी बांटता था, उसकी जेब में नौकरियाँ कहाँ से थी जो 15-15 लाख 20-20 लाख में नौकरियाँ बांटता था। वो चंदन मनराल जब उसके पास हाई मेरिट वाला कोई व्यक्ति जाता था तो वो कहता था मुझे लंगड़े घोड़े पर दांव लगाना है, मुझे हाई मेरिट वाले नहीं चाहिए, मुझे लो मेरिट वाले चाहिए क्योंकि उनसे पैसा ज्यादा मिलता है। ये बात वो डंके की चोट पर कहता था, आखिर वो क्यों कहता था? आखिर भाई भुवन कापड़ी जान सकता है, भुवन कापड़ी ने संघर्ष किया है, भुवन कापड़ी जब पढ़ाई लिखाई करता होगा तो इसकी जेब में 15 लाख रुपए नहीं थे तो ये आज नेता बना है, ये अपने संघर्ष से नेता बना है, नौकरी से तब भी नहीं मिल पाई, ये पीड़ा जानता है आपकी, इसलिए आपकी लड़ाई के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, युवा मांगे सीबीआई, युवा मांगे सीबीआई। धन्यवाद युवाओं को, क्योंकि युवा संविधान के तहत अपनी मांग कर रहा है और आज मैं देख रहा हूँ पूरा शहर छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, सरकार भयभीत है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। यदि सरकार की मंशा साफ है तो क्यों दो दो एजेंसी
एक तरफ एसटीएफ, दूसरी तरफ विजिलेंस की एजेंसी के माध्यम से जांच कराई जा रही है। पूरा प्रदेश, पूरा युवा मांग करता है सरकार से, यदि सरकार की मंशा साफ है तो सरकार इस पर सीबीआई जांच कराए और जो दोषी है उनको दंडित करके सलाखों के पीछे पहुंचाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपकी रैली CPI, 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 CPI.